इन बातें हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में ना बड़ी ज़्यादा गालिब हैं। उनमें से पहली बात है मौला अली शेर खुदा का इल्म मुबारक। हुज़ूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ये जो इल्म हिकमत होता है ना, ये बड़ी राहें खोलता है। इल्म आदमी को बाएतमाद कर देता है। इल्म इंसान को बहुत सारी तरक्कियों की तरफ ले जाता है और ये इल्म ही है जिसकी बरकत से इंसान खुदा रसूल की बारगाह तक रसाई हासिल करता है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा इल्म फ़ज़ल रखने वाले थे और वहाँ आपकी नज़र जाती थी जहाँ रूटीन में लोगों की नज़र नहीं जाती। एक मुकदमा पेश हुआ कि हुज़ूर दो ख़वातीन के यहाँ इकट्ठे बच्चों की विलादत हुई है, अंधेरे का वक्त था। तो इत्तेफाक की बात यह है कि एक बेटी है एक बेटा है और एक ही वक्त में दोनों बच्चे पैदा हुए। अब दोनों तकाजा कर रही हैं, एक कहती है बेटा मेरा है, दूसरी कहती है बेटा मेरा है, तो बेटा किसका है? हम बड़े परेशान हैं, बात बड़ी तूल पकड़ गई है, दोनों घरों के दरमियान तलवारें निकल आने का खदशा है, तो बेटा किसका है? तो हज़रत अली फरमाने लगे कोई मुश्किल मसला है, दोनों का थोड़ा थोड़ा दूध निकाल के तोल लो, जिसका दूध वजनी हो बेटा उसी का है, इसलिए कि रब करीम ने बेटे का डबल हिस्सा रखा है और बेटी का सिंगल रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम बनाया है, तो अल्लाह तआला ने उन्हें इल्म अता किया। अच्छा, एक अजीब बात है, कुछ लोग पहलवान होते हैं सियाने नहीं होते, और कुछ सियाने होते हैं तो वो पहलवान नहीं होते, कहते ये तो लिखने पढ़ने का आदमी है, तो ये कैसे मैदान में निकलेगा, और ये तो मैदान का आदमी है, ये लिखे पढ़ेगा कैसे? तो मौला अली शेर खुदा ने दुनिया का ये रंग भी गलत करके दिखाया, फरमाया सियाना भी मुझसे बड़ा कोई नहीं और दलेर भी मुझसे बड़ा कोई। इल्म व फजल का ये आलम था और जुर्रत और बहादुरी नाज करती थी मौला अली। शुजात का दूसरा नाम ही मौला अली शेर खुदा है। आप देखिए हजरत अली ने हर मैदान में ही कामयाबियां दिखाई, लेकिन फातह खैबर खास कर कहलाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया था सुबह झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह अता करेगा, और फरमाया बंदा वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तो सहाबा फरमाते हैं सारे मुंतज़िर थे कि सुबह मेरी बारी लग जाए, मेरा नाम आ जाए, सबको शौक़ था ये सआदत लेने का, लेकिन हुज़ूर ने सुबह फरमाया अईना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? तो कहा या रसूलल्लाह वो तो खैमे में हैं, उनकी आंखों में तकलीफ है। फरमाया बुलाओ ना। तो हज़रत शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया तो करीम ने अपना लुआबे दहन लगाया, तो हज़रत अली फरमाते हैं यूं लगा जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था, और पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला ने आंखों को रोशनी अता फरमा दी। फिर आप खैबर के मैदान में लड़े, मरहब के साथ लड़े और कमाल कर दिया। जंगे खंदक में अमर इब्ने अब्दे वुद के खिलाफ लड़े तो कमाल कर दिया, और खैबर का दरवाज़ा एक हाथ से उखेड़ के इतनी दूर फेंका कि बाद में 40 लोग भी उठाते थे तो उनसे उठाया नहीं जाता था। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा इल्म फ़ज़ल वाले, जुर्रत और बहादुरी वाले। और फिर तीसरी बात जो उनकी ज़िंदगी में मेरी समझ में आई है बहुत ज़्यादा थी, वो था वरा, तकवा, ज़ुहद। मालो दौलत के साथ दिलचस्पी नहीं, अपनी ज़िंदगी के अंदर दुनिया से मुकम्मल मुंह मोड़ लिया। फरमाया करते थे मैंने दुनियादारी को यानी मालो दौलत की मोहब्बत को मैंने 3 तलाकें दे दी, ये हमारे करीब ही नहीं आती। अमीरुल मोमिनीन हो के कूफे के चौक में खड़े होके अपनी ज़िरा या बाज ने लिखा तलवार बेच रहे थे, कोई ख़रीद लो कोई ख़रीद लो, इस तलवार के साथ मैं हुजूर के साथ जंग में शरीक था। लोगों ने कहा बेचते क्यों हैं? फरमाने लगे तहमत फट गई है, पेवंद लगने की जगह भी नहीं बची, अगर मेरे पास तहमत के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता। वो तो ख़जानों की कुंजियाँ रखने वाले लोग थे, फिर ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि तालीम हो लोगों को कि माल का आ जाना या माल का हासिल करना या माल की ज़रूरत होना ये बुरा नहीं, लेकिन माल को दिल में जगह नहीं दी जाती, मकसूद माल नहीं बनाया जाता। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके फैज़ से फैज़ याब फरमाए।